नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं काम की बात लेकर। जी हां दोस्तों, इसमें एक विशेष बात बनाने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा और कभी अपनी आंखों से देखा भी नहीं होगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ ऐसी खबरें आपको लगातार मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आइए जान लेते हैं आखिर क्या कुछ खास लेकर आए हैं इस खबर के अंदर। दरअसल आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसे 5 सितारा होटल के बारे में जो बनाया गया है रेलवे ट्रैक पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत जगहों पे 5 सितारा होटल देखा होगा लेकिन शायद ही कभी सुना होगा कि किसी रेलवे ट्रैक पर 5 सितारा होटल बनाया गया है जो आधुनिक साजो सामान से पूरी तरह लैस है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जहाँ दोस्तों आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर वो कौन सा रेलवे ट्रैक है या कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे इस तरह का 5 सितारा होटल बनाया गया है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है और ये रेलवे ट्रैक पर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे तेजी से अपने स्वरूप को बदल रही है। अब भारतीय रेलवे ने नया कीर्तिमान हासिल करते हुए रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना पहला 5-स्टार होटल बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल गुजरात के गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है जिसे विश्व स्तरीय आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस भी किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर नवनिर्मित 5 सितारा होटल और कई अन्य बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं पुनर्विकसित गांधीनगर राजधानी स्टेशन पर यात्रियों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार की लाइट की व्यवस्था भी की गई है। गुजरात के गांधीनगर में ऐसा रेलवे स्टेशन बना है जैसा अभी तक देश में कहीं और नहीं बना होगा। इस रेलवे स्टेशन में कई आधुनिक सुविधाएं हैं। यहां अलग से प्रार्थना रूम और बेबी फीडिंग रूम भी बनाया गया है। आधुनिक सुविधाओं के साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन 5-स्टार होटल के नीचे बना है। 5-स्टार होटल में पहुंचने के लिए स्टेशन के अंदर से ही एक गेट भी तैयार किया गया है। जहां दोस्तों स्टेशन के अंदर बने इस गेट की मदद से यात्री ट्रेन से उतरकर सीधे होटल में जा सकेंगे। 5-स्टार बिल्डिंग के नीचे मुख्य प्रवेश द्वार के पास टिकट विंडो के पास ही ऊपर जाने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगाया गया है जिससे लोगों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। स्टेशन परिसर पर बनी नई बिल्डिंग में एंट्री गेट, बुकिंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, बुक स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल समेत सभी सुविधाएँ हैं। वहीं यहां बनी दीवारों पर गुजरात के अलग अलग मॉन्यूमेंट की तस्वीर भी बनाई गई है जो बेहद आकर्षक है, जिसमें रेलवे स्टेशन के अंदर बनी अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। रेलवे स्टेशन के ऊपर की साइट पर 300 रूम का एक 5-स्टार होटल बनाया गया है जो होटल लीला ग्रुप के जरिए चलाया जाएगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बनी इस 5-स्टार होटल की खास बात ये भी है कि ये गांधीनगर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। जहां दोस्तों हम इस तरह की खास खबरें आपके लिए अक्सर लेकर आते रहते हैं और आगे भी ऐसी खबरों से आपको अवगत कराएंगे, लेकिन सही समय पर वो खबरें आप तक पहुंचें इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए जान लेते हैं आखिर इस सबसे ऊंची बिल्डिंग में आप क्या कुछ नज़ारा देख सकते हैं या इस बिल्डिंग के ऊपर से क्या कुछ आपको दिखने वाला है। यहाँ दोस्तों इस बिल्डिंग से लोग पूरे गांधीनगर, महात्मा मंदिर और विधानसभा को एक ही लाइन में देख पाएंगे। यहाँ से महात्मा मंदिर और डांडी कुटीर पैदल भी आप जा सकते हैं। भारतीय रेलवे को एक नया आयाम देने के पीएम मोदी के विजन की शुरुआत गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से ही हुई है। इस रेलवे स्टेशन पर बने 5-सितारा होटल से लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, साथ ही यहां आने वाले लोगों को होटल के लिए अब परेशान नहीं होना होगा, यानी यूं कहें कि होटल के लिए अब उन्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ध्यान दोस्तों,
काम की बात में आज के लिए इतना ही। एक बार नए काम की बात के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ ऐसी खबरें आपको लगातार मिलती रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आप चाहें तो अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।